चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व यही मैं हूं। साक्षात चैतन्य तत्व की अनुभूति और चैतन्य का दर्शन, सम्यक दर्शन उसी समय होता है जब साक्षात चैतन्य तत्व अनुभूति के पर्याय में, अनुभव में आता है। और जिस साधक का निरंतर यह तत्व विचार रूप चिंतन चलता है और
और उस चिंतन में ही ऐसी परम अवस्था प्रकट होती है जिस अवस्था को आज तक कभी जाना ही नहीं था। ऐसे निराकुल शांत अवस्था का प्रकट होना उस अवस्था का प्रकट होना कि जहां उस तत्व का अनुभव हुआ कि जहां संसार समाप्त ही हो गया। अनंत काल का जो ये विकल्पों का परिभ्रमण होता था वो विकल्पों का परिभ्रमण ही जहां टल गया और ऐसे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति हुई। वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभूति तो इसलिए कही क्योंकि वहां पांच इंद्रिय और ये शरीर के जो अनंत परमाणु उस अनुभूति के दौरान वहां अनुभूति की अवस्था में वे वहां पर कहीं पर भी नहीं है। ऐसा नहीं कि अनुभूति की अवस्था में ये परमाणु कहीं पर भी नहीं है, बल्कि ऐसी अनुभूति होती है कि जहां मेरी चैतन्य सत्ता है उस विराट सत्ता में अनादि अनंत ये परमाणु कहीं पर भी नहीं थे। और ऐसा अनुभव होना कि मैं त्रिकाल जो सत्ता स्वरूप हूं वहां पर इन परमाणुओं का कहीं पर भी परिणमन नहीं, और ये सुनकर के नहीं, ये अंतर की अनुभूति से, ये पढ़कर के नहीं, ये अंतर की अनुभूति से, ये सोच करके नहीं, ये अंतर की अनुभूति से। और उस अनुभूति का नाम ही प्रत्यक्ष आत्मानुभूति है। वो दशा ऐसी है कि अनंत परमाणु, ये अनंत परमाणु मेरे चैतन्य का जो जानना 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 जानना, उनमें वे अनंत परमाणु कहीं पर भी नहीं है। वो कैसे, वो मैं आपसे कहूँ। और उस ज्ञान की ऐसी स्वतंत्रता और शुद्धता और नित्यता, उस नित्यता को मैं आपको कहूँ, आपकी समझ में आएगा। ये ज्ञान का ऐसा निराला स्वरूप है। मैं पंच इंद्रिय वाला अभी ये जीव हूं, अभी इस शरीर में पांच इंद्रिय है और पांच इंद्रिय निमित्त होती है ज्ञान में। तो जब भी कोई पदार्थ का ज्ञान होता है उस समय ये इंद्रिय निमित्त होती है, मगर इंद्रिय ज्ञान कराती नहीं। यदि इंद्रिय ज्ञान कराती तो जहां इंद्रिय है वहां और भी अनंत जीव है, उन अनंत जीवों को ज्ञान नहीं होता है जैसा ज्ञान इस जीव को होता है। वो कैसे कि ये हमारा शरीर है, इस शरीर में अनंत निगोद के जीव एक नहीं है, वह अनंत निगोद के जीव है। और वे जीव बारहवें गुणस्थान के प्रथम समय से लेकर के उन जीवों का इस शरीर में से मरना प्रारंभ होकर के वो ऐसे निकलने लगते हैं और शरीर वो औदारिक शरीर में से परम औदारिक शरीर होता है। अभी ये औदारिक शरीर है बारहवें गुणस्थान के प्रथम समय से लेकर के उन भावलिंगी मुनिराजों को, क्योंकि बारहवें गुणस्थान तक की दशा को भी मुनि की ही दशा कही है क्योंकि वहां पर भी पूर्ण वितरागता और सर्वज्ञता प्रकट नहीं हुई। और ऐसे मुनिराजों को जब शरीर में जो निगोद या जीव है वो निगोद या जीवों का मरना प्रारंभ हो जाता है, उनका मरना प्रारंभ हो जाता है, हिंसा होने लगती है। और ऐसी हिंसा भूतकाल में कभी नहीं हुई थी। अनंत देह को धारण किया मगर ऐसी हिंसा जो भूतकाल में कभी नहीं हुई थी, ऐसी हिंसा उस समय होती है जिस समय केवल ज्ञान प्रकट होना प्रारंभ होता है। अर्थात केवल ज्ञान की जो पूर्व तैयारी की बारहवें गुणस्थान से अब फिर केवल ज्ञान होने ही वाला है। शरीर में से वे निगोदिया जीव वो मर करके उस शरीर में से फिर उनका तो जन्म मरण होता रहता है,
वो फिर कहीं और जन्म मरण करेंगे, मगर इस शरीर में वो नहीं होंगे। यह शरीर निगोदिया जीव रहित ऐसा शरीर होगा, वो परम औदारिक शरीर होगा, परम औदारिक शरीर होगा। अभी तो यह अनंत निगोदिया जीव इस शरीर में है, और जहां पर यह चमड़ी है, जहां यह चमड़ी है वहां पर जैसे ही सूरज की गर्मी इस चमड़ी को स्पर्श करती है कि सूरज की किरणें इस चमड़ी पर पड़ती है कि गर्म का ज्ञान हुआ, मगर यह चमड़ी के कारण गर्म का ज्ञान हुआ होता तो जहां चमड़ी है वहां पर और भी अन्य निगोद के जीव है। इस शरीर में और भी निगोद के जीव है, मगर उन्हें ज्ञान होता नहीं ऐसा, अर्थात कि ये इंद्रिय ज्ञान कराती नहीं। वहां पर आत्मा का होना जरूरी है, मुर्दे में वहां पर आत्मा नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि वहां पर ज्ञान कैसे होगा। मगर जहां ये इंद्रिय भी है और जहां पर आत्मा भी है, फिर भी उस आत्मा को ज्ञान नहीं होता, क्योंकि आत्मा के ज्ञान की पर्याय की ऐसी उस समय की योग्यता नहीं है कि वो गर्मी को जानने रूप परिणमित हो। ये इंद्रिय तो है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो स्वतंत्र अस्तित्व है, वो जो जानने का कार्य है, उसमें इन देह के परमाणु कहीं पर भी नहीं है। इतना गहरा तत्व विचार और चिंतन जिस साधक के, जिन ज्ञान दीपक के अंतरंग में ये चलता है, वह ज्ञान दीपक प्रज्वलित हुए बिना नहीं रहता, क्योंकि तब वो भेद ज्ञान के बल से वो ऐसी दशा प्रकट होती है, वो भेद विज्ञान ऐसा प्रकट होता है कि इन परमाणु में मैं कहीं पर भी नहीं, और परमाणु के परिणमन में मेरी कहीं सत्ता नहीं। और वही तो मैंने आपको कहा कि रोज रोज आपको जो करना है वो प्रयोग ही करना है, वो भेद विज्ञान का ही प्रयोग करना है, और वो प्रयोग बुद्धिपूर्वक होता है, और इसीलिए मैं कहता हूँ करना है, मैं ये नहीं कहता हूँ होता है, अभी करना है, क्योंकि करने की भाषा ही आपकी समझ में आती है, कर्तृत्व का भाव पड़ा है। इसलिए ज्ञानी ने यह कहा कि आत्मा का हित कर लो, ऐसा नहीं कहा कि आत्मा का हित होगा, आत्मा का हित करो, तुम अपना ज्ञान दीपक प्रज्वलित करो, तुम साधना करो, तुम जागृति रखो। ज्ञानियों के लिए यह सब सहज है, अज्ञानी के लिए वो करने की भाषा ही उसे समझ में आती है, और इसलिए उसे इस भाषा में ही समझाया जाता है कि तुम आत्मा को जानो, और इसलिए कहा जाता है कि तुम देह का मोह छोड़ो, इसलिए कहा जाता है कि मिथ्या। इसलिए तो ये दशा जो है वो अपूर्व दशा है। आपको जो कहा जाता है वो आपकी भाषा में कहा जाता है, इसलिए गुरु कि जो भाषा होगी वो भाषा भले ही गुरु की हो, मगर वो गुरु की नहीं होगी, वो आपकी भाषा होगी। क्योंकि ये सदा ही नियम रहा है कि भाषा सदा ही बच्चों की होती है और भाव सदा ही बड़ों के होते हैं। इसलिए तो घर में भाषा जो बोली जाती है वो बच्चों की ही भाषा बोली जाती है। इसलिए घर में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा ऐसी ही बोली जाती है जैसे कोई पिता अपने बेटे से कहता है कि जा, मम्मी को बुला, और बच्चा अपनी मम्मी को बुलाकर लाता है, दादी को बुलाकर नहीं लाता, क्योंकि जो भाषा का प्रयोग हुआ वो भाषा बच्चे की और भाव वो पिता का था। वो बुलाना चाहते थे अपनी पत्नी को, मगर बुलाया ऐसे कि जा मम्मी को बुला, और बच्चा समझ गया कि मेरी मम्मी को बुलाने के लिए ही कहा है, पिताजी की मम्मी को नहीं, क्योंकि भाषा बच्चों की उपयोग होती है और भाव बड़ों के होते हैं कि मेरी पत्नी को बुलाना है। भाषा अज्ञानियों की होती है और भाव ज्ञानियों के होते हैं, और इसलिए घर में जब भाषा बोली जाती है तो भाषा बच्चों की ही बोली जाती है और भाव बड़ों के चलते। इसलिए जब कोई गाड़ी खरीदनी हो तब उस बच्चे को कहेंगे कि बाहर जाओ, तुम खेलो जाओ, क्योंकि वहां पर भाव की बात चल रही है कि कौन सी गाड़ी खरीदनी, कितनी महंगी कौन सी गाड़ी है, वहां पर बच्चों को नहीं। भाषा की बात होगी तो बच्चों का और भाव की बात होगी तो बड़ों का। और ऐसे ही जो भाव है वो भाव गुरु का है और भाषा अज्ञानी की है। इसलिए अज्ञानी की भाषा में ये कहते हैं कि तुम आत्मा का अनुभव करो, तुम भेद विज्ञान करो, तुम जागृति रखो, इस भाषा में बात करेंगे। मगर उन्हें अंतरंग में ये जागृति है कि तुम्हारा जो भेद ज्ञान होगा तभी होगा, वो सहज होगा,
और इतना ही नहीं तुम भेद ज्ञान करो, ऐसा जो इस मुंह में से ऐसी वाणी निकल रही है ये भी सहज ही निकल रही है, करो ऐसी भाषा निकलती है मगर उस भाषा का भी वहाँ कर्तृत्व नहीं है और उस भाषा को भी ऐसा ही शब्द का प्रवाह, नदी का पानी के प्रवाह की तरह ऐसा यहाँ पर परमाणु का टकराना वो ऐसे देखते हैं कि काल का क्रम आगे बढ़ता है और ये शब्द काल के क्रम के आगे बढ़ते बढ़ते ये शब्द ऐसे निकलते जाते हैं। जो भविष्य में जो ध्वनि का टकराना होता था वो वर्तमान होता है, वर्तमान से वो भूत होता है, फिर भविष्य के जो शब्द टकराने थे वो आए और टकरा करके आगे गए। वो उस अवस्था को भी इतनी अलिप्तता से जानते हैं जब वे कहते हैं कि तुम जागृति रखो, तुम जागृत रहो। इसलिए मैं आपको उस कहने की, उस कर्तव्यपने की, वो कर्तृत्व की उस भाषा में हमेशा कहूँगा मगर उसका भाव कुछ गहरा होगा कि जागृति रखो। प्रत्येक घटना के काल में यह जागृति और भेद विज्ञान का अभ्यास, ये जो है वो अभ्यास भेद विज्ञान का अभ्यास। भेद विज्ञान सदा ही दो द्रव्यों के बीच में होता है, इसलिए आत्म जागृति का जो अभ्यास होता है वो दो द्रव्यों के बीच में होता है। इसलिए आचार्य कुंकुन देव ने समय सार में जो संवर अधिकार लिखा वो भेद विज्ञान का अभिनंदन करने वाला अधिकार है। भेद विज्ञान कि मैं कहाँ हूँ और जो जानने में आ रहा है वो कहाँ है, ये जागृति का अभ्यास। उनके विशेषों में जाना ही नहीं चाहता, उसका अर्थ ये है कि उसकी रुचि ही नहीं रही। फिर वो पर में कोई पराये की बात नहीं, इन देह के परमाणु, ये शरीर के परमाणु और इन शरीर के परमाणुओं में जितनी भी विकट परिस्थिति, प्रतिकूलता, जितना भी बाहर में कष्ट आया, उस कष्ट का तो उसने स्वागत किया। साधक शिकायत नहीं करता, साधक स्वागत करता है। साधक शिकायत नहीं करता, साधक की बात ही कुछ और है। श्रोता होता है, श्रोता शिकायत कर सकता है कि मुझे शरीर में ये दिक्कत है, मर गया, तड़प रहा हूं। साधक जो है उस साधक को ये जागृति है, वो जागृति, शिकायत तो वहां पर निकल ही गई, वो जागृति है। और इतनी जागृति है कि धन्य ये घड़ी भेद विज्ञान करने का अवसर मिला। इसलिए मैंने कहा जो जुन्नेद नाम का फकीर हमेशा कहा करता था, हे परमात्मा जितना हो सके उतना मुझे तो दुख देना, क्योंकि दुख में मैं अक्सर तुझे याद करता हूँ और सुख में भूल जाता हूँ। इसलिए जितनी प्रतिकूलता आए उस प्रतिकूलता का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि उसमें तो उस स्वरूप की जागृति। इसलिए मुनिराजों के परिसर के बारे में आपने नहीं सुना, कृपालु देव को नहीं आता था कि वो चद्दर ओढ़ करके रखे और मच्छर को न काटने दे, मगर उस परम दशा में जब पहुंचने की तैयारी होती है ऐसे परम कृपालु देव को, उस अवस्था में भी अंतर की परिणति की निर्मलता में शुद्धि की वृद्धि ऐसी होती है, तब उस बात की ओर ध्यान ही नहीं जाता। वहां तो धन्य है ये घड़ी की भेद ज्ञान करने का मुझे अवसर मिला जितना हो सके। और इसलिए मैं कहता हूँ जागृति का प्रयोग करने के लिए, जब कहता हूँ हलवा ये जिप पर आया तो भेद विज्ञान कि ये हलवे में सुख नहीं है, हलवा मेरा स्वरूप नहीं है, हलवा ज्ञान का ज्ञेय है, नहीं इतने में ही नहीं, फिर मिट्टी भी तुम्हारी जिप पर आए तो भेद विज्ञान करो। नाली बह रही है और नाली की दुर्गंध भी तुम्हें सूंघने में आती है, तब वहाँ पर भी भेद ज्ञान करो, सिर्फ रसगुल्ले में ही नहीं करना है। फिर पकवान मिले तभी भेद ज्ञान नहीं करना है, वहाँ पर भी तो भेद ज्ञान करना है। और प्रतिकूलता में ही भेद ज्ञान नहीं करना है, किसी भी परिस्थिति में सामने जो कोई आया है, सामने जो आया है इतना आपको दूर प्रत्यक्ष ऐसा दिखाई दे, ऐसा श्रद्धानपूर्वक प्रत्यक्ष दिखाई दे कि जो आया है वो सामने ही है, फिर देह में जलन होती हो या देह कटता हो या देह पर मच्छर बैठे हो या मक्खी बैठी हो या मधुमक्खी बैठी हो, उस समय उस साधक
होता है, फिर वो ऐसी ही दशा है। ऐसी ही दशा है, उस दशा में ऐसा है। अनादिकाल से क्या होता था, अनादिकाल से ऐसा होता था कि ये जो शरीर है और आत्मा है, जो आत्मा असंख्य प्रदेशों में जो व्याप्त है, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ये चैतन्य तत्व, असंख्य प्रदेशों में फैला हुआ ये भगवान आत्मा यहीं पर ही है, यहीं पर ही है, फिर भी अनादिकाल से कैसे भूला हुआ था, पता ही नहीं, उसकी ओर दृष्टि ही नहीं जाती थी। हाँ, वो सुनता था आत्मा के बारे में, मगर वो तन्मय नहीं होता था कि यही मैं हूं। वो सुनता था आत्मा के बारे में, मगर वो तन्मय नहीं होता था कि ये मेरी ही बात चल रही है। वो पढ़ता था शास्त्रों में से आत्मा के बारे में, मगर वो भाव नहीं आता था। जैसे अखबार को पढ़ते समय वो रस लेकर के पढ़ता है, ऐसा भाव नहीं आता था, और ऐसा नहीं आता था कि यहाँ पर मेरी ही बात आई। एक बार अखबार में अपना नाम छप जाए तो उस अखबार को संभाल कर रखता है, अपनी पेटी में बंद करके रखता है, ताले में बंद करके रखता है कि कभी अखबार में मेरा नाम आया। वो भाव उसको आज तक आया नहीं कि समय सार में ये शुद्धात्मा लिखा, ये मेरा ही स्वरूप है, इसे मैं संभाल कर रखूं। आत्मसिद्धि शास्त्र, उसे मैं इतना संभाल कर रखूं, ऐसा भाव तो आज तक आया नहीं जितना अखबार को संभाल कर रखने का भाव आया। वो तन्मयता जो अनादिकाल से आज तक प्रकट नहीं हुई, वो तन्मयता अनादि से आत्म तत्व में नहीं हुई। और देह में जैसी तन्मयता होती थी, अनुभूति होने के बाद में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्या होता है, अनुभूति हुई कि बस अब शरीर, जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में मुट्ठी में वो सोना था और सोने की ओर ध्यान ही नहीं जाता था, ऐसे ही कहा था कि आत्मा यहीं पर है, मगर आत्मा की ओर ध्यान ही नहीं गया। अनुभूति के बाद ऐसा होता है कि ये शरीर के जो परमाणु है वो मुट्ठी में है, वो शरीर के परमाणु मुट्ठी में नहीं है, शरीर के परमाणु ही मुट्ठी रूप है, ये मुट्ठी और कुछ भी नहीं है, शरीर के परमाणु ये वो वहां पर है, मगर उसे वो याद ही नहीं आता। मुट्ठी में पड़ा हुआ याद नहीं आता, ऐसा नहीं कि मुट्ठी ही याद नहीं आती, वो शरीर ही याद नहीं आता। और ऐसी दशा जैसी अनादिकाल से जो आत्मा के बारे में होता था कि आत्मा के बारे में वो सुनता था मगर तन्मय नहीं होता था, ऐसे ही इस देह को वो भोजन देता है मगर वो तन्मय नहीं होता। इस देह के बारे में डॉक्टर से कहता है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मगर वो तन्मय नहीं होता है। जैसे अनादि से आत्मा के बारे में वो सुनता था मगर उसमें उसकी तन्मयता एकत्व मैंपना स्थापित नहीं हुआ था, ऐसे ही इस देह के अनंत परमाणु के साथ में ऐसा स्वरूप उसको अनुभव में आया है। इसलिए वो जो दशा है, वो दशा उन परमाणु को इतना बिखरता, ऐसा उड़ता, ऐसा परमाणु उसको दिखाई दिया, ऐसा परमाणु दिखाई दिया। बस इसलिए विश्राम करने को बस थोड़ी देर यहाँ पर टिक गया, विश्राम करने को टिक गया, मगर ये जागृति पूरी तरह से कि मैं अपने कारण पेड़ है। वो पेड़ पहले तो बीज, बीज से अंकुर, अंकुर से वृक्ष, ये जो पेड़ है इतना घटादार पेड़ हुआ, घटादार पेड़ हुआ है बस। मगर जैसे ही एक यात्री उस पेड़ की छाया में हो, उसकी छत्र छाया में हो, मगर वो देखता हो कि पेड़ से कितना दूरी और कितना फासला है, ऐसे ही बस विश्राम करने को यहाँ ठहर गया, विश्राम करने को यहाँ ठहर गया, बस ऐसे ही जागृति ज्ञानी को रहती है। इन शरीर के अनंत परमाणु, यही जब छोटा बच्चा था अंकुर निकला था, अब धीरे धीरे युवान हुआ, वृद्ध हुआ, ये पेड़ ये सूखने की ओर जा रहा है, ये पेड़ नष्ट होने की ओर जा रहा है, ये पेड़ घटादार हुआ मगर अब बिखरने की ओर जा रहा है, इस पेड़ ने अब छाया बस इतनी मंद कर दी,
अब इसकी छाया इतनी नहीं जितनी पहले, अब बस यहाँ ठहरने जैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर छाया ही नहीं। इस पेड़ की दशा, इस पेड़ की हालत, स्थिति, दशा ऐसी हो गई कि अब यहाँ रहने जैसा नहीं। फिर वो मुसाफिर जब पेड़ से दूर जाता है, वो पेड़ के नीचे था और पेड़ से दूर जाने की उतनी जागृति और होश कि पेड़ इतना दूर है और जहाँ मैं हूँ वहाँ पेड़ है ही नहीं। जहाँ मैं हूँ मैं अपने कारण हूँ, पेड़ ऐसे ही उस चैतन्य की सत्ता में रह करके इन अनंत परमाणु के पिंड को जब देखता है, उसने ही ये भेद जान लिया, उसने ही स्व पर के बीच में भेद विज्ञान करके आत्म जागृति का अभ्यास किया, ये प्रयोग किया। फिर ये परमाणु में ऐसा होगा अनुभूति होने पर ये भेद विज्ञान सहज होगा। अनुभूति से पहले तत्व विचार करके ये भेद विज्ञान का अभ्यास होता है, अभ्यास होता है। और तब आपने जो ज्ञान पाया था वो ज्ञान समझ होता है। उससे पहले तो ज्ञान ज्ञान ही था, समझ में परिवर्तित ही नहीं हुआ, वो ज्ञान बुद्धि में ही रह गया, वो हृदय तक नहीं पहुंच सका। वो क्षयोपशम ज्ञान श्रद्धा में जो अंतर में दृष्टि में जो आना चाहिए था वो आ नहीं पाया। इसलिए आत्म जागृति का प्रयोग, जब भी कुछ भी काम न हो, कुछ भी काम न हो, न खा रहे हो न पी रहे हो, आपको जब ऐसा एहसास होता हो कि कुछ भी नहीं कर रहा हो, अभी ऐसा दिन में कभी एक बार भी अवसर आता है? नहीं आता है। कभी ना कभी ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, अब ये करता हूँ, अब ये करूँगा, अब ये करूँगा, बोलते नहीं हो, सोचते नहीं हो, अंदर में ख्यालों में ये सब इतना गहन होकर के ऐसा पड़ा है कि ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये सब अंदर में। इसलिए तो आकांक्षा, वो भविष्य की जो आकांक्षा है, आकांक्षा भविष्य में जो डूबना, कल ज्ञान दीपक प्रज्वलित होगा, कल सम्यक दर्शन प्रज्वलित होगा, प्रकट होगा, बस वहीं पर भी अटक गया, वहीं अटक गया। और ये जो चैतन्य सत्ता में, सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा में, वो ऐसी अनुभूति में वो स्थित नहीं हो सका। मेरी सत्ता स्वयं के कारण है, अनंत परमाणुओं के पिंड के कारण मेरी सत्ता नहीं, इस पेड़ के कारण मेरी सत्ता नहीं, मेरी सत्ता स्वयं के कारण है। पेड़ है मगर पेड़ मुझसे बहुत दूर है, पेड़ मुझसे दूर है। मुसाफिर चलता है, ये पेड़ भी उसके साथ में ही यात्रा करता है, ये चलता फिरता ऐसा ये पेड़ है। देह को देखता ही नहीं, देह दिखाई देता ही नहीं। पहले पेड़ की छाया में था, पहले पेड़ को देखता था ऊपर तो पेड़ ही पेड़ दिखाई देता था, और जब पेड़ दिखाई नहीं देता तो पेड़ के पार होकर के ऐसा देखता है कि वो आकाश को देखता है, विराट आकाश को देखता है। बस जिस समय